नमस्कार है सब बहनों को। कार्तिक मास की मैं कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक मास की एक बूढ़ा था, उसके दो बेटे थे बूढ़ा के। अब बूढ़ा बोला मैं कार्तिक नहाऊंगा, अपनी बड़ी बहू से बोला मैं कार्तिक नहाऊंगा बेटा। तो बड़ी बहू बोली कार्तिक नहाएगा क्या करना पिताजी? बोली पानी बखत उठ के जल्दी लाना है कुएं से। बोली मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे बस की तो नहीं है तुम्हारी इतना वो करना। अब बूढ़ा चला गया, वो छोटी बहू के पास गया, छोटी बहू से बोला बेटा मैं कार्तिक नहाऊंगा और मेरे दो काम करना है। बोली पिताजी क्या करना है बताओ, मैं करूंगी आपका दो काम। बोले सुबह उठ के 4 बजे पानी लाना है और दोपहर में पोछा झाड़ू करके और बर्तन वो करके खाना बनाना है और मेरी धोती धोके सुखानी है। बोली ठीक है बस इतना ही काम है। बोली हाँ इतना ही है, अब इतना ही काम करना। उठती सुबह पानी लाती और झाड़ू पोछा करती, खाना ताजी बनाती और धोती धोके डाल देती। अब जैसे धोती धो खाना बन जाता, धोती धोती उसकी तो धोती ने थोड़ी निचोड़ती ऐसे सुखा देती थोड़ा जो मोती पड़ता उसमें पानी माँ से धोती माँ से तो वो मोती बन जाता था। अब बहू इतनी सादा स्वभाव की तो उसने पता नहीं था, वो डेली अपने झाड़ू काट काट के कुणाम कर देती, घने सारे मोती इकट्ठी हो गए। रोज यही काम उसका तो नहाना धोना अपने धोती धो के सुखाना। एक लास्ट हो गया पूरा करते हो गया तो बोले बेटा मैं खेत में जा रहा हूँ, तू खाना बना के और खेत माजिए, मुझे ब्राह्मण जिमाना आज उद्यापन करना कार्तिक का। बोली ठीक है पिताजी। अब वो खेत में चला गया खाना वाना बना के गई बहू। बोली पिताजी मैं खाना बनाया ही हूँ, आप ब्राह्मणों को दान पुण्य करिया हो जिमाया हो। तो गई वो गोलियां उड़ाता था सुसर। अब गई बहू वहां पे तो अपने वो तो कई गोलियां उड़ा उन्हें चिड़िया अपने चादर तान के सो गई बहू। अब वो बूढ़ा अपने जिमान लग रहा पंडितों को जिमा रहा, तो जैसे देखा भाई इनके तो बहुत धन है। पहले के पंडित इतने थे लालची नहीं थे, बहुत धन है भाई जो कूणा में हीरा मोती का ढेर लग रहा तो कितना धन होगा इसके पास। जो दीक्षणा दी जिमाया वो पंडित अपने लेकर चले गए ब्राह्मण। अब चला गए लेकर तो वहां बहू अपने गोलियां नहीं उड़ा रही है, वो कह रही है दुनिया का तक में दान करती है, चलो चिड़िया ने खाने दो। अब वो तो यही कहे सोने की चिड़िया, अरे वो चिड़िया और खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अब यही कहती जाए और अपने सोगी चिड़िया, खा लिया जितना दाना पड़ा उनका भी हीरा मोती हो गया बाल माँ से। और वो पड़ोस में ही भाई का खेत था, अब वो देख रहा है भाई इतना हीरा मोती जगमगाट कर रहा है, ये क्या जादू है इनके साथ। अब वो घर पर आई तो देखे तो घर पे भी हीरा मोती है। अब हीरा मोती का घर पे भी ढेर लग रहा है, वो तो बहुत भाई क्या तो वो किसान की खेती करा करता, अब उनके तो धन इतना होगा वो तो बहुत बड़े वो बन गए। अगली साल बोली बड़ी बहू अब पिताजी कब तक नहाओ? अब बोला बूढ़ा बोला भाई बेटा मेरा बस की तो नहीं है, इतना जाडो पड़े हैं मेरे बस की तो नहीं है। अब बोली अब छोटी बहू तो तूने बेटा बहू तो करोड़पति बना दिया और हमारी बारी आई तूने कह रहा मेरे बस की तो नहीं है। बोले बेटा मैं तो पहले तेरे पास ही आया था, तूने मेरी नहीं सुनी तो मैं क्या करूँ भाई, छोटी के पास चला गया। अब देखे तो बूढ़ा भाई मन तो नहीं था उसका, फिर भी नहाया भाई माँ बाप ने तो सब बच्चों के लिए बराबर नहाया। अब वो जल्दी जल्दी में 3 बजे पानी लाओ चौका बर्तन करे जल्दी जल्दी में और धोती ने धोवे तो अपने निचोड़े ना ऐसा कैसे डाल दे तार पे अघना सारा हीरा मोती झड़ेगा। अब वो भाई हीरा मोती तो कुछ नहीं हुआ, जमीन में खड्डे जरूर पड़ गए पानी से। अब गई खेत में लास्ट के दिन खाना वाना, बोली बहू पूरा कार्तिक हो गया, अरे मैंने ब्राह्मणों को वो करना भोजन करवाना। बोले अच्छा ठीक है, बोले खाना बना के तू खेत माजी। अब वो ब्राह्मण खेत में चला गया तो गई बहू बोली पिताजी बन गया खाना कर आओ दान। अब दान करने के लिए आया तो देखे तो भैया दान पर जो था वो अपने दीक्षणा दे दी। अब खेत में वो तो एक चिड़िया ने बैठन देना, कह रही भैया तो सारा बाजरा खा जाएगी, सब बाल खाली हो जाएगी, सब गोलियां मार मार के सब उड़ा दिया। अब जो भी दाना था बाल में कोई एक आदमी वो भी सारे खत्म हो गए, सारे बिल्कुल ही खाली होगा खेत। अब आई घर पे तो देखने लगी तो घर पे भी धन माया इकट्ठा नहीं पाया। बोली तूने ये कार्तिक महाराज तूने बोली इतने धोखा करा और इतने दुहात करी, बोली देखो छोटा बेटा तो इतना करोड़पति बना दिया और मेरी बारी आई तो नहाया तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तो बोला भाई कार्तिक महाराज बोली देखो भावना सोती सेवा भी, जब तुम्हारे अंदर भावना नहीं है तो सेवा तुम्हारी लगती नहीं है। अब बूढ़ा तो बेचारे ने सच्चा मन से भावना से करा था, बेटा बहू ने भावना से सेवा की थी, लालच से नहीं करी थी। तो लालच तो वही बुरी बला है। जो भी कहानी गलत हुई हो तो क्षमा करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सब बहन भाइयों को नमस्ते।